हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईएम विशाखापट्टनम से है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो सबसे पहले हम एडमिशन की प्रोसेस देख लेते हैं। तो इन्होंने एडमिशन प्रोसेस के अंदर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बताए हैं, जिनके अंदर डिसीजन साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ये कुछ सब्जेक्ट हैं या स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं जिनके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो एलिजिबिलिटी देख लीजिए दोस्तों। एलिजिबिलिटी के अंदर इन्होंने सबसे पहले बताया कि यदि आपके पास मास्टर डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है 2 ईयर्स का 55% के साथ में और 55% बैचलर डिग्री के अंदर भी, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोफेशनल डिग्री है आपके पास सी ए आई सी डब्ल्यू एस सी एस 50% के साथ में और बीकॉम डिग्री 55% के साथ में है तो भी आवेदन कर सकते हैं। यदि 4 ईयर की बैचलर डिग्री है 6.5 सीजीपीए के साथ में तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इन्हीं के अंदर इन्होंने नोट दिया हुआ है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर कोई अप्लाई कर रहा है तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उनका साइंस, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए। यदि आप स्ट्रेटजी एरिया के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है और 5% का रिडक्शन बताया है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। आगे इन्होंने यहाँ पर बताया है कि यदि कोई फाइनल ईयर के अंदर है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, बट उनका 24 जून तक सभी सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट हो जाने चाहिए तो वो आवेदन कर सकते हैं यदि उनकी रिक्वायरमेंट ये पूरी हो जाती है तो। और रिजर्वेशन बताया है कि 15% रिजर्वेशन एससी का रहेगा, 7.5 एसटी का रहेगा, 27% ओबीसी का रहेगा नॉन क्रीमिलेयर, 5% पीडब्ल्यूडी का रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। और यहाँ पर टेस्ट स्कोर के बारे में बताया है कि कौन कौन से टेस्ट स्कोर किस किस स्पेशलाइजेशन के अंदर वैलिड है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो डिसीजन साइंस के अंदर कैट, जी मैट, जी आर ई, गेट, सी एस आर, नेट, यू जी सी, जी आर एफ वगैरह ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इनको पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा जहाँ से आप सभी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। तो ये नीचे भी इन्होंने फिर से यहाँ पर इंक्लूड किया है तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं, हम अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह देखेंगे। तो इन्होंने यहाँ बताया कि आपको ये वैलिड टेस्ट की स्कोर कार्ड वगैरह लगाना पड़ेगा, तो यही बात की है। एप्लीकेशन फीस इन्होंने 500 रुपये बताई है और नॉन क्रिमिलियर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए कोई फीस नहीं है, तो उनको कोई फीस नहीं देनी है। 500 रुपये सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों को देना है। और ये सिलेक्शन के अंदर बताया है कि इंटरव्यू आपका 3rd वीक ऑफ मई के अंदर हो जाएगा और आगे ये परफॉर्मेंस के बेस पर भी रहेगा कि एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका क्या है उसके बेस पर भी आपको रहेगा कि एडमिशन दिया जाएगा नहीं। फाइनेंशियल सपोर्ट इनके अंदर काफ़ी अच्छा है कि आपको 2 ईयर्स के लिए 37,000 मिलेंगे, 42,000 नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए मिलेंगे, कंटीजेंसी मिलेगी, एचआरए मिलेगा और 3 लाख आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मिलेंगे, 60,000 आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मिलेंगे और 50,000 पर पब्लिकेशन भी मिलेंगे यदि वो ए स्टार कैटेगरी के अंदर है एबीडीसी के अंदर, या 25,000 ए कैटेगरी के अंदर वालों के लिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है और ये अप्लाई के अंदर लास्ट डेट 21 मार्च है इसकी। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हम देख लेते हैं जो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डेट है कि ये 30 जून से स्टार्ट हो गया था, 21 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी और इंटरव्यू की आपकी नोटिफिकेशन 21 अप्रैल को आ जाएगी। पर्सनल इंटरव्यू आपका 13 से 17 मई रहेगा, ऑफलाइन रहेगा और आपका एडमिशन ऑफर आपको 28 मई को हो जाएगा। ऑफर एक्सेप्टेंस लास्ट डेट आपकी 5 जून रहेगी और रजिस्ट्रेशन वगैरह 24 जून को हो जाएगा। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी जाएगी इनके द्वारा, तो ये लिखा हुआ है। आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है तो वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर पीएचडी फीस वे ऑफ की बात की है कि जो किसी भी आईआईएम वगैरह से है तो उनको फर्स्ट ईयर की कोर्स वर्क की फ़ीस भी वे ऑफ हो जाएगी और उनको कोर्स वर्क से भी एग्जम्पशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो ये आप अपने हिसाब से रीड आउट कर सकते हैं यदि कोई आईआईएम से बिलोंग करता है पहले से ही। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों और ये यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई करने की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई भी कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको कोई
इन्फॉर्मेशन चाहिए इनसे तो आप इनके कॉन्टैक्ट डिटेल पर जाकर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।